हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट की जो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन सा नीम से बना उत्पाद है जो कीटों को भगाने में प्रयुक्त होता है। तो गाइज़, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हर ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, तो मैं उसी ऑप्शन को मतलब टच करूंगा जो कि सही है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिससे आपकी भी जल्दी हो। यहाँ यहाँ पे पे दोस्तों, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पे सी, जो कि है एजाडीरक्टिन। ओके, उसके बाद यहाँ से दोस्तों सेकंड नंबर की बात करें तो है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। जो चिपको आंदोलन दोस्तों था, बेसिकली किस राज्य से जो है बिलोंग करता है, तो उसका आंसर है यहाँ पर उत्तराखंड। ओके, तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण में संलग्न संस्था कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 होते हैं, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तरुण भारत संघ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। तो टोटल के जो नंबर ऑफ कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर 119। ओके, और एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो है कि CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है। तो दोस्तों CFC जो होता है, CFC गैस, वो जो है हानि पहुंचाता है यहाँ पर ओजोन परत को। ओके, ओजोन परत को जो है ये हानि पहुंचाता है। एंड नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन है वो है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है। तो दोस्तों उसका आंसर है राइट की वो मेथेन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करता है, संसाधन है, किसने कहा था। दोस्तों ये स्टेटमेंट है वो है फिशर का, कि ऐसी कोई वस्तु जो मानवीय इच्छाओं की पूर्ति करता है वो संसाधन जो होता है वो स्टेटमेंट फिशर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं है कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सा है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो इसका फार्मूला होता है CO, तो इसके लिए ये जिम्मेदार होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें है कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया गया है। तो जो बेसिकली पेट्रोल में पहले दोस्तों जो मटेरियल अभी मैं बताऊंगा वो जो है कुछ ज़्यादा ही इन्वायरमेंट को डिफेक्ट कर रहा था, तो वो था दोस्तों सीसा। और एंड अब उसको जो है उसकी क्वांटिटी काफ़ी मात्रा में कम कर दी गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो समुद्री प्रदूषण का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो जलपोतों से तेल का रिसाव, यानी जो दोस्तों इंपोर्ट कराए जाते हैं कई सारी कंट्रीज़ में, तेल वगैरह, क्रूड ऑयल और बाकी पेट्रोल डीजल होते हैं, तो उनमें जो लीकेज हो जाता है तो पूरे समुद्र में फैल जाता है। इससे मछलियां जो है काफ़ी मात्रा में जो है मर जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस देखने को मिलते हैं, एक प्रकार से डिजास्टर ही समझ लीजिए ये है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि निम्न में से पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना यहाँ पे दोस्तों पॉपुलेशन में इंक्रीजिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें है कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों पर्यावरण का जो जैविक कारक है वो वनस्पति है। ओके, चलिए फटाफट से हम ऐसे ही और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे जीवाश्म ईंधनों का प्रभाव, दूसरे पे है पेड़ पौधों का विनाश। तो दोस्तों इसमें जो दोनों ऑप्शन ऊपर वाले हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि एक अनुमान के अनुसार पिछले 200 वर्षों में CO2 की मात्रा कितनी बढ़ी है। तो दोस्तों जो उन्होंने डेटा निकाला है उसके अनुसार से 25%, जो कि काफ़ी मात्रा जो एक बड़ी मात्रा होती है दोस्तों, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो 25% जो है इंक्रीज हुआ है CO2 की मात्रा में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि टांसले एक जाने माने, तो टांसले जो थे वो एक पारिस्थितिकवादी थे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो विश्व पर्यावरण दिवस ये तो आप ही जानते हो 5 जून को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो राजनीतिक संरक्षण जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 1972 में जो है स्टॉकहोम में इसका आयोजन हुआ था। ओके,
स्टॉकहोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है, तो रेड क्रॉस जो होता है उसका संबंध पर्यावरण संरक्षण से नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो है कि पर्यावरण का तत्व है, तो पर्यावरण का तत्व इसमें जल, मृदा, वायु, तो इसलिए इसका जो है राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो है कि हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है, तो दोस्तों ये इसका आंसर सिंपल सा है, पर्यावरण। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का परीक्षण किया जाता है, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों 5 है, इसलिए इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है दोस्तों नैरोबी में। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि किण्वन योग्य अपशिष्ट पाए जाते हैं, तो दोस्तों किण्वन योग्य अपशिष्ट जो होते हैं वो डेयरी उद्योग में पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो 1950 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि ETP उद्योगों में लगाया जाता है, तो यह है जल प्रदूषण रोकने में लगाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है तो किन फैक्ट्रियों से होता है, वो होता है कागज़ उद्योगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लें तो है कि तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकलता है, तो तेल शोधन उद्योगों में अपशिष्ट के रूप में दोस्तों सल्फर होता है, मतलब कि एग्जास्ट होता है इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि स्कीमिंग टैग में अपशिष्टों से अलग किया जाता है, तो स्कीमिंग टैंक में तेल एवं चर्बी को जो है अलग किया जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर है कि किसी जल में अधिक BOD का होना सूचक है, तो किसी जल में BOD की मतलब अधिक होना वो प्रदूषक का सूचक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि अनाक्सीकरण क्रिया में मुख्यतः निम्नलिखित गैस निकलती है, तो यहाँ पे दोस्तों मीथेन गैस निकलती है, CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि विषैले एवं भयावह अपशिष्ट निकलते हैं, तो विषैले एवं भयावह अपशिष्ट जो है आपके परमाणु शक्ति संयंत्र से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि जिनेवा मुख्यालय है, तो ये है दोस्तों WMO का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद है, तो यहाँ पर जो है सुंदरलाल बहुगुणा वो है पर्यावरणविद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि वस्त्र उद्योगों के अपशिष्टों में होती है, तो वस्त्र उद्योगों के अपशिष्ट में उदासीन PH होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल का मान निर्धारित किया है, तो वो है 30 mg/L। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि अगर pH 10 है तो अपशिष्ट होगा, तो दोस्तों pH लेवल में बता दूं, अभी बताता हूँ इसका जो है क्षारीय होगा, कैसे होगा बताता हूँ। यहाँ पे एक लेवल होता है दोस्तों, एंड यहाँ पे न्यूट्रल होता है बेसिकली 7 पे, एंड इसके जितना इधर जाओगे आप यानी कि 1 के करीब, तो आपका जो है एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। एंड इस 7 के जितने ऊपर जाओगे 14 तक, वो आपका बेसिक नेचर यानी क्षारी नेचर बढ़ता रहेगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो है कि भोपाल गैस कांड जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जिसे बनाती थी एक कंपनी, तो दोस्तों वो कंपनी जो थी वो अमेरिकन कंपनी थी जिसने यहाँ पे अपना प्लांट लगाया हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि केंद्रीय मरुस्थल संस्थान CAGRI कहाँ है, तो वो है दोस्तों जोधपुर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों तो है कि एक अनुमान के अनुसार CFC का जीवन काल होता है, तो दोस्तों CFC का जो जीवन काल होता है वो 10 to 100 ईयर का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि मनुष्य के द्वारा सिगरेट पीना आता है, तो मनुष्य के द्वारा सिगरेट का पीना वो दोस्तों व्यक्तिगत वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि मनुष्य में पाया जाने वाला ब्रायनक्राइटिस रोग का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों इस रोग का जो मेन रीज़न है वो है वायु प्रदूषण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि
वायु प्रदूषण का रंग पर क्या प्रभाव होता है? तो वायु प्रदूषण का बेसिकली जो रंग पर प्रभाव होता है तो उसको कलरलेस बना देता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डेसिबल शोर का स्तर निर्धारित किया जाता है, तो 40 डेसिबल का जो लेवल है वो है शयन कक्ष यानी स्लीपिंग रूम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जून मनाया जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो है कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वो है कि हवाई जहाज़ का उड़ान भरना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो है कि ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे है कि एक मिनट क्रॉप हो जा भाई, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण जो है मेन रीज़न क्या है प्रतिध्वनि का कारण, तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि सौर ऊर्जा प्रदूषित करती है, तो सौर ऊर्जा बेसिकली दोस्तों ना तो वाटर को करती है, ना तो सौर को ना वायु को, तो इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 50 है, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 आपका लास्ट क्वेश्चन है समझ लीजिए, है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है, क्योंकि वो एसिडिक होता है ना, अभी लेवल बताया था आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।